अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तिनोली स्कूल कायद कैंपस, क्लास 5, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 9, यूनिट नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 3D। चैप्टर नंबर 3 की प्रीवियस एक्सरसाइजेस में आपने बोर्ड मैस रूल एंडोमैस रूल मेथड सीखा और इस एक्सरसाइज में आप बोर्ड मैस रूल एंडोमैस रूल दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स 1/5 प्लस 3/5 माइनस 4/5। डोमैस रूल के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले इसको ऐड करना है और फ्रैक्शंस में अगर इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं तो आपको इनके डिनोमिनेटर्स सेम करने होते हैं, तब ही इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो इजीली इनको प्लस करके न्यूमिनेटर्स को प्लस करके आंसर लिखते हैं। 1 + 3 = 4, 4/5 माइनस 4/5। इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो सिंपली इनको माइनस करके आंसर लिखते हैं। 4 - 4 = 0, 0/5, और 0 को किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर 0 ही होता है, तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट पार्ट में 3/4 × 12/15 / 24/15। डोमैस रूल के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवीजन में 7 वाली फ्रैक्शंस को इन्वर्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा और 7 वाली फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 24/15 है तो वो 15/24 हो जाएगी। अब आपने इसकी कटिंग करनी है कि दोनों डिजिट्स एक ही टेबल पर डिविजिबल हों। 15 1 = 15, 15 1 = 15, 15 15 से कैंसिल हो गए, 12 1 = 12 एंड 12 2 = 24। 3/4 × 1 और 1 1 = 1, 1 2 = 2, तो 3/4 × 1/2। अब यहाँ पर कोई भी डिजिट एक दूसरे के साथ डिविजिबल नहीं है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख दें। 3 1 = 3 एंड 4 2 = 8, तो 3/8 इसका आंसर होगा। सी पार्ट में 3 1/10 प्लस 9 2/10 डिवाइडेड बाय 9/10। इसमें आपने बोर्ड मैस रूल अप्लाई करना है, यानी कि अगर किसी भी वैल्यूज में ब्रैकेट्स हैं तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। अब इसमें आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे पहले इन मिक्स नंबर को फ्रैक्शंस में चेंज करना है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 30 में 1 प्लस किया, 31/10 प्लस 10 9 = 90, 90 + 2 = 92/10 डिवाइडेड बाय 9/10। डिनोमिनेटर जिनके सेम हैं तो सिंपल इनको प्लस करके आंसर लिखते हैं। 31 + 92/10 123/10 डिवाइडेड बाय 9/10। डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के और नेक्स्ट आपने फ्रैक्शंस को इन्वर्ट कर देना है। 9/10 है तो 10/9 हो जाएगी। अब 10 को 10 से कैंसिल कर दिया, 23/9, 9 जो है वो 123 पर डिविजिबल नहीं है तो इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, 123/9। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आपने इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर आंसर आएगा 13/6/9। अब ये जो फ्रैक्शन है 6/9, ये अगर एक ही टेबल पर डिविजिबल है तो आप इसको कटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में लिख दें। 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 13 एज अ होल नंबर, 2/3 फ्रैक्शन, तो ये मिक्स नंबर में इसका आंसर होगा। लास्ट पार्ट में 4/5 डिवाइड 9/5 मल्टीप्लाई 18/7 डिवाइड 1/14। इसमें भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट में डिवाइड का सिंबल है तो इसको आपने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर और नेक्स्ट फ्रैक्शन इन्वर्ट कर देनी है। 4/5 × 9/5 है तो यहाँ पर 5/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 18/7 डिवाइडेड बाई 1/14, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। 5 5 से कैंसिल हो गया, 4/9 मल्टीप्लाई 18/7 डिवाइडेड बाई 1/14। अब इसमें आपने डोमैस रूल अप्लाई करना है क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, उसका आंसर है 4/9। अब यहाँ पर डोमैस रूल अप्लाई होगा, 18/7 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और नेक्स्ट
तो वाली फ्रैक्शन आपने इन्वर्ट कर देनी है। 1/14 है तो 14/1 हो जाएगा। 14 7 पे डिविजिबल है, 7 1 7, 7 2 14। अब 18 2 36/1, 4/9 मल्टीप्लाई 36/1। अब 9 36 पे डिविजिबल है, 9 1 9, 9 4 36, 4 4 16, और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, तो ये 16 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स है। द बोर्डमैन रूल इज यूज्ड टू सॉल्व एक्सप्रेशंस विथ मोर देन टू ऑपरेशंस। दैट्स ट्रू। 1/4 मल्टीप्लाई 2/8 डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू 12। 1/4 मल्टीप्लाई 2/8 डिवाइडेड बाय 3/4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, एंड 4/3। 4 1 4, 4 2 8, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर होगा 1/12। यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। 7/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 7/2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। फिर इनके डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इसका डिनोमिनेटर 4 होगा। 7 2 14, 14/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 9/4। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 3/5 प्लस 4/5 माइनस 8/5 माइनस 2/5। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 3/5 प्लस 4/5 माइनस, माइनस करेंगे 8 - 2, 6/5। अब इसको आपने प्लस करना है, तो ये होगा 7/5 माइनस 6/5। माइनस करेंगे तो 1/5, यहाँ पर भी 1/5 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 4/7 डिवाइडेड बाय 18/21 मल्टीप्लाई बाय 5/9। 4/7, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। 4/7 मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, सात वाली फ्रैक्शन को इन्वर्ट करेंगे, 21/18 मल्टीप्लाई 5/9, तो इनकी कटिंग करेंगे। 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 3 9, 2 2 4, 2 9 18, 5 2 10, एंड और यहाँ पर 9 3 27, 10/27, यहाँ पर 6/5 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8। 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के फ्रैक्शंस को इन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को इन्वर्ट करेंगे, 8/1। 4 1 4, 4 2 8, इसका आंसर है 2/3, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। 3/10 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 2/3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3/10 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के फ्रैक्शन को रिवर्स किया, 3/2, 2 2 से कैंसिल, 3/10 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर को सेम करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 प्लस 6/10 यानी कि 9/10, ये इसका आंसर होगा। 7/9 माइनस 2/9 डिवाइडेड बाय 8/15 प्लस 1/15। ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, बोर्डमैन रूल अप्लाई होगा। 7/9 माइनस 2/9, माइनस किया तो 5/9 डिवाइडेड बाय और प्लस करने पर 9/15। 5/9 मल्टीप्लाई का सिंबल लगाकर फिर आपने फ्रैक्शन को रिवर्स करना है, तो ये होगा 15/9। 5 15 75, 9 9 81। अब इसको लोएस्ट टर्म में करना है। 3 2 6, ये 15 हो गए, 3 5 15, 3 2 6, 2 यहाँ चले गए, 21 हो गए, तो 3 7
25/27 ये इसका आंसर होगा। 5/8 + 3/8 - 3/8 / 15/6 × 3/4 बोडमेस रूल अप्लाई होगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 + 3 = 8, 8 - 3 = 5/8 की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया तो ये हो जाएगा 6/15 × 3/4 2 2 = 4, 2 3 = 6, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 15 3 3 से कैंसिल हो गया तो इसका आंसर होगा 3/16 ये ऑप्शन करेक्ट होगी। 5/21 × 1/5 + 5/9 / 1/2/3 सबसे पहले डिवाइड करना है, 5/21 × 5 1 + 5 + 2 7/5 + 5/9 / की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, 3 1 = 3 + 2 5/3 इन्वर्स करेंगे तो होगा 3/5 3 1 = 3, 3 3 = 9, 5 5 से कैंसिल हो गया, इसमें भी 5 5 से कैंसिल हो गया, 7 1 = 7, 7 3 = 21 और यहाँ पर क्या रह गए 1/3 + 1/3 तो इसका आंसर होगा 2/3। वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर।